अगर नंबर सिस्टम का इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, तो इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। इसमें क्या है, 10 अंकों की एक संख्या है 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y, ठीक है, इसको 72 से भाग करने पर, ठीक है, x का सबसे मान लेते विभाजित करते हैं, विभाजित है मतलब कि 72 से विभाजित है ये 10 अंकों की संख्या, और x का सबसे बड़ा मान लेते हुए 2x + 5y का मान ज्ञात करना है। अगर इसमें हम x का सबसे बड़ा मान ले लेते हैं तो x का इसमें एक डिजिट का ही तो मान लेंगे तो 9 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको कहते हैं 9 × 8, ठीक है। अब इसको 8 से अगर मतलब कि 9 से विभाजित कर लेंगे, अब इसको 8 से विभाजित सबसे पहले करने के लिए इसमें क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट को विभाजित करेंगे, तो 8 × 3 = 24, ठीक है, 8 × 3 = 24 और 6 = 7 बचा, मतलब कि यहाँ पे बचा 7। अब इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे बचेंगे 2, ठीक है, यहाँ पे 2 लेंगे तो 8 × 72 मतलब कि 2 = 22, ठीक है। अगर 2 = 2 आ जाएगा तो इस और x बराबर इतना आ जाएगा तो 4 6 7 8 9 9 5 3 1 2, तो इसको अगर हम एक बार 9 से चेक कर लेते हैं तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 9 से विभाजित करने के लिए 9 9 5 3 8 और 1 9, ठीक है, 7 2 9, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, 6 4 10 और 6 4 10, ठीक है, और 5 15। अब इसमें कोई और एक और संख्या बची हो, हाँ ये 5 8 और 5 13 13 और 10, ठीक है, तो कितना बचा, 3 और 2, ठीक है, मतलब कि 6 4 10 और 18 5 18 5 23, 23 हो जाएगा, ठीक है, 23 और 1 = 24, ये हो जाएगा। इसको अगर टोटल सॉल्व करेंगे ना तो ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर 9 निकलेगा, ठीक है, और 2 = 2, ठीक है, और इसमें 2x + 5y में इसको पुट कर लेंगे, मतलब कि x बराबर हो जाएगा 9 y = 2, तो इसका कितना आ जाएगा, 9 × 18 + 5 × 10, ठीक है, 18 और 10 कितना आ जाएगा, 28 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये अभी हो नहीं पा रहा क्योंकि इसमें किसकी कुछ कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चन को जल्दी से ऐसे सॉल्व करते हैं, इसमें आ जाएगा सॉल्व करने पर 28 आंसर आया है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम जल्दी से ऐसे सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस प्रकार के क्वेश्चन में ये डाउट है, ठीक है, तो मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है, या कमेंट में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।